काफी टाइम से मेरी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब वीडियोस में भी काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाओ हाउ टू कीप कोई फिशेस एंड एक कोई फिशेस के ऊपर गाइड बनाओ, उनको कैसे प्रॉपर केयर देनी है एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ अपनी कोई फिशेस के लिए। मैं कोई फिशेस अराउंड 8 सालों से रख रहा हूँ एंड कोई फिशेस मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिशेस है। एंड क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी आती हैं एंड डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल होती है। कोई जापनीज कोईज आर ग्रेटर और मैं कहूँ बिगर देन दी नॉर्मल कोईज अवेलेबल इन आर इंडियन मार्केट। एंड इंडोनेशियन कोईज भी काफ़ी सुंदर होती हैं, उनमें भी काफ़ी वेराइटीज़ आती हैं। मेरे में भी काफ़ी वेराइटी की कोईज हैं, मैं आपको अपना पॉन्ड दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। सो ये है मेरा DIY backyard pond, इसे मैंने खुद बनाया है एंड ये पॉन्ड है अराउंड 15 feet लॉन्ग एंड इसकी ब्रेथ है अराउंड 4 to 5 feet एंड इसकी गहराई भी काफ़ी अच्छी है अराउंड 4 feet एंड इसमें मेरी सारी की सारी प्यारी प्यारी कोई फिशेज हैं एंड ये है मेरा प्यारा कोई फिश कलेक्शन। ये मेरी फेवरेट है, इसका नाम है शूरी। शूरी एक बटरफ्लाई कोई है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है एंड दिस वन इज अम्बाकू। अम्बाकू एक ऑरेंज एंड ब्लैक कोई है एंड ये रहा हमारा प्यारा आइगो। आइगो एक जनरल कोई है एंड दिस इज शिरोकुरो। शिरोकुरो इज अ वाइट एंड ब्लैक कोई और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मेरे को। एंड मेरे पे कुछ कबूटो कोईज भी हैं, वो देखो वो थोड़ी सी गोल्ड कलर में है एंड वहाँ पे है वाइट वाली, उनका मैंने अभी नाम नहीं रखा बट वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती हैं। एंड मेरे पे एक येल्लो काइंड ऑफ कोई भी है जिसका नाम चार्ली है और चार्ली बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड ये हमेशा भूखे ही रहते हैं और चार्ली काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो अगर आपको भी ऐसा कोई पॉन्ड बनाना है अपनी फिशेस के लिए मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा। वो एक स्टेप टू स्टेप गाइड है जिसमें आप अपना कोई पॉन्ड बना सकते हो, वो भी बिल्कुल नेचुरल लुकिंग। एक बार ज़रा देखिए, वहाँ पूरा जंगल है एंड वहाँ पे फिल्ट्रेशन भी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एंड यहाँ पे पूरा पॉन्ड है एंड फिशेज यहाँ पे हैप्पी और हेल्दी रहती हैं। एंड अब बढ़ते हैं कोई फिशेज की टिप्स की तरफ। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज गिविंग अ बिग सेटअप, क्योंकि कोई फिशेज आर नॉट एक्वेरियम फिशेज, दे आर मेंट टू बी केप्ट इन बिगर पॉन्ड्स एंड कोई फिशेज बहुत ज़्यादा बिग होती हैं साइज में। दे कैन ग्रो अप टू 1 meter, अगर आप जापनीज कोई हैं तो वो 1 meter तक हो जाती है एंड इंडियन कोईज भी मैंने देखा अराउंड 2 feet प्लस हो जाती हैं एक अच्छे सेटअप में। तो आपको उनको अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराना है। एक छोटे सेटअप में कोई फिशेज अपना पूरा पोटेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएंगी एंड ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग उन्हें अब्यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें एक अच्छा सेटअप नहीं दे पाते एंड दे आर कीपिंग द फिशेज इनटू लाइक फ्रिजेस। एंड मैंने यूट्यूब पर भी बहुत जगह देखा है लोग कोई को फ्रिजेस में रख रहे हैं, यार उतना तो स्पेस है भी नहीं एक फ्रिज में। फ्रिज कितना ही कितना बड़ा होगा, अराउंड 5 feet 6 feet, उससे ज़्यादा कितना बड़ा होगा। एंड अगर आप एक DIY पॉन्ड बनाने का सोच रहे हैं तो गो विद अ बिगर पॉन्ड। पहले अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करिए एक पॉन्ड कैसे बनता है, एक पॉन्ड का मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको जानना है पॉन्ड कैसे बनाते हैं, जैसे ये पॉन्ड है मैंने पूरा अपने आप बनाया है, इट्स अ DIY पॉन्ड। मैंने उसका ट्यूटोरियल अपने चैनल पे बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप सीखिए एक पॉन्ड कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए तब एक DIY की तरफ बढ़िए। DIY पॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि आप उनको बजट में बना सकते हो एंड अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो प्रोवाइड अ सीमेंटेड पॉन्ड, क्योंकि सीमेंटेड पॉन्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो हर कोई सीमेंटेड पॉन्ड नहीं बना सकता एंड एक अच्छा सीमेंटेड पॉन्ड बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको जानना है एक सीमेंटेड पॉन्ड या उसका मैकेनिज्म कैसा होता है तो मेरे एक फेलो क्रिएटर है ओचिबा कोई फार्म, आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक नीचे डाल दूंगा एंड मुझे उनके चैनल से भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है अबाउट कोई फिश कीपिंग एंड कोई ब्रीडिंग। तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पे चेकआउट कीजिए उनका चैनल, मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं आप। एंड प्रोवाइडिंग अ गुड सेटअप, मेन बात यही है, अगर आप एक अच्छा सेटअप दोगे कोई को, एक नेचुरल सेटअप होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगी एंड अपनी लाइफ हैप्पी और हेल्दी जिएंगी। बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप ये है कि फीडिंग हाई क्वालिटी फूड, आपको अपनी फिशेस को एक हाई क्वालिटी डाइट देनी है। मैं अपनी फिशेस को बहुत वैरायटी वाला फूड प्रोवाइड करता हूँ, मैं उन्हें पहले फूड देता हूँ, मैं उन्हें लाइव फीडिंग देता हूँ, मैं उन्हें
ड्राइड श्रिम्स देता हूँ, कभी कभार मैं उन्हें अर्थ वॉर्म्स भी फीड करता हूँ। तो मैं अपनी फिशेज को काफ़ी वैरायटी दे रहा हूँ एंड कभी कभार आई फीड देम वेजिटेबल्स। तो आप काफ़ी चीज़ें अपनी फिशेज को फीड कर सकते हो। अगर आप अपनी फिशेज को हाई क्वालिटी फूड फीड करोगे तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड वो हाई क्वालिटी फूड में ये नहीं कि आप कुछ भी दे रहे हो उनको, आपको उनका प्रोटीन इनटेक भी पूरा करना है। यू कैन फीड देम एग्स, यू कैन फीड देम वेजिटेबल्स, यू कैन फीड देम फ्रूट्स। तो आपको ध्यान में रखना है आप कौन कौन सी चीज़ें उन्हें फीड कर सकते हो। एंड अपनी फिशेज की डाइट में वैरायटी ऐड करो जिससे उनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल पाए एंड वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। एंड फीडिंग के साथ साथ ही हमारा तीसरा स्टेप भी आता है या तीसरी टिप भी आती है, आपको अपनी फिशेज को फीडिंग के साथ ओवर फीडिंग भी नहीं करनी है। अगर आप एक फिश फूड खरीदते हो तो उसकी पैकेजिंग के पीछे जो गाइडलाइंस लिखी होती है आपको वो फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि 2 मिनट में एक कोई फिश कितना फूड खा सकती है एक बार इमेजिन करके देखिए एंड सोचिए 2 मिनट में एक कोई फिशेज बहुत ज़्यादा फूड खा सकती है। सो एक सिंपल फार्मूला यूज़ करिए, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है कि 2 का 4। एक फिश को आप 2 या 4 पैलेट दो, अगर एक बिगर कोई है तो उसको 2 या 4 पैलेट दे सकते हो आप दिन में 2 या 3 बार। बट मैं अपनी फिशेज को 6 पैलेट्स फीड करता हूँ, बट मैं अपनी फिशेज को दिन में 1 ही बार फीड कर रहा हूँ एंड मैं उन्हें ओवर फीड नहीं करता हूँ। एंड मैं उन्हें कभी कभार वीक में 1 बार फास्ट भी कराता हूँ ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो साफ रहे। एंड फिशेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी करेंगी, बट उन्हें ओवर फीड मत करिए क्योंकि ओवर फीडिंग लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड फिश की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो भी हमारे फूड्स हैं वो ज़्यादातर ड्राई फूड होते हैं एंड वो पेट में फिशेस की डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड फिशेस की डेथ हो जाती है। सो ये थे 3 स्टेप एंड इसके बाद बात करेंगे हम फिल्ट्रेशन की एंड हाउ टू मेंटेन गुड वाटर क्वालिटी इन योर पॉन्ड एंड योर एक्वेरियम। बट एक्वेरियम आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा कोई फिशेस के लिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेक अ पॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड में ही कोई फिशेस ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, क्योंकि कोई फिशेस पॉन्ड्स में रहती हैं क्योंकि उनका जो अपर व्यू कहूँ मैं, क्योंकि उनका जो अपर व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है एंड आप अपनी कोई फिशेस को ट्रेन भी कर सकते हो हैंड ट्रेन, एंड जो इनका अपर व्यू है वो ज़्यादा सुंदर होता है एज़ कम्पेयर टू देयर साइड व्यू। एंड इनके टैंक मेट्स भी काफ़ी होते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको गो विद गोल्ड फिशेस। गोल्ड फिशेस बहुत अच्छी रहती हैं इनके साथ एंड इनका कोई हार्म भी नहीं पहुँचाती है एंड कोई फिशेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है फ्रॉम टॉप व्यू एज़ कम्पेयर टू द साइड व्यू। सो आप इनको पॉन्ड में ही रखिए क्योंकि पॉन्ड में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। एंड अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम की। मेरे पॉन्ड में एक DIY फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि मैंने खुद बनाया है। इट्स अ DIY बकेट फिल्ट्रेशन एंड मैंने उसे बनाया एक 60 लीटर की बाल्टी से, हाँ जी बाल्टी से, एंड वो मुझे काफ़ी चीप पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ वो फिल्ट्रेशन सिस्टम। सो मेरे पॉन्ड का मैकेनिज्म ऐसा है कि वहाँ पे एक पंप है, दैट पंप पंप्स द वाटर और वो वाटर जाता है वहाँ पे, एक आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा वो है मेरे पॉन्ड का फिल्ट्रेशन सिस्टम। सो हम इस जंगल के बीच से होते हुए जाएंगे, ये देखिए, एंड ये फिल्टर वाटर को फिल्टर करता है एंड ये जाता है सीधा पॉन्ड में और ये वाटर बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इनसे हम पी भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाटर है। एंड इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बहुत सारा बायोलॉजिकल मीडिया है एंड आपको फिल्टर दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बट फिल्टर जितना साफ होगा पानी की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी एंड ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। एंड मैं आपको पॉन्ड के अंदर का अंडर वाटर फुटेज भी दिखाता हूँ। ये था मेरे पॉन्ड का फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड मेरे पॉन्ड का जो वाटर है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है क्योंकि मेरा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल मीडिया, केमिकल मीडिया एंड द स्पंज मीडिया एज वेल। एंड वाटर की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा साफ है,
आपको पता ही चल गया होगा वो अंडर वाटर शॉट से। सो फिल्ट्रेशन अगर आपको बनाना है मेरे जैसा तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। एंड आपको इस चैनल पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट फिश कीपिंग एंड पेट कीपिंग। एंड इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना जो पेट कीपिंग एंड फिश कीपिंग में है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। एंड इस पॉन्ड में फ्लो का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है मैंने कि फिल्ट्रेशन अच्छा रहे। अगर आपको अपने पॉन्ड का फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखना है तो आपको अपने पॉन्ड में या तो फ्लो क्रिएट करने के लिए कोई मशीन रखनी चाहिए, जैसे मैंने तो ऐड करा है सोबो का एक वेव मेकर, जिससे जो पॉन्ड में फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है। एंड उस वेव मेकर की जो पोजीशन है वो इस तरफ है एंड वो फ्लो क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे जितनी भी गंदगी होती है वो जाती है मेरे पंप में एंड पंप से वो वाटर पंप होके जाता है मेरे फिल्ट्रेशन सिस्टम में एंड पानी एकदम साफ हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी कोई फिशेस के साथ। एंड पॉन्ड में ऑक्सीजन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी एक बहुत बड़ी टिप है कि आपकी फिशेस हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। अगर आपकी फिशेस ब्रीथ ही नहीं कर पा रही हैं तो वो कैसे हेल्दी रहेंगी। तो पॉन्ड में एक एरेशन का सिस्टम भी लगाएं। मेरे पॉन्ड में बहुत तरीके से एरेशन हो रहा है, मेरे पास एक एयर स्टोन है, अभी मैंने वो बंद कर रखा है, मैं उसे दिन में एक बार चालू करता हूँ फॉर अराउंड 6 hours एंड वो एरेशन प्रोड्यूस करता रहता है। बल्कि मेरे पॉन्ड में बहुत तरीके से एरेशन भी होता है, यहाँ पे जो वेव मेकर है वो वेव्स क्रिएट करता है एंड वाटर एजिटेशन होता है जिससे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में एंड वहाँ पे जो वाटरफॉल है वो भी ऑक्सीजनेशन का काम कर रहा है एंड पानी की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड कुछ टिप्स मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी फिशेस को एक्लिमेट कर दिया है मेरे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। बट अगर आप कहीं और रहते हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपनी फिशेस को हीटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार फिशेस की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर उतना नहीं होता है एंड उनका मेटाबॉलिक रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है एंड फिशेस खाना अच्छे से नहीं खाती हैं। तो आपको वाटर टेम्परेचर का भी ध्यान देना है, तो आपको वाटर टेम्परेचर देना है कोई, इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा अराउंड 22 to 24 degrees Celsius इज बेस्ट। अगर आप और ऊपर तक दे सकते हैं तो और अच्छा है, बट मेरी कोईज यहाँ पे अराउंड 10 to 12 degrees Celsius में बहुत अच्छे से रह रही हैं क्योंकि यहाँ पे अराउंड 5 to 6 years हैं एंड यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं, थ्राइव कर रही हैं। सो आप अपनी फिशेस को अच्छा टेम्परेचर भी दें, अच्छा फूड दें, अच्छा फिल्ट्रेशन दें, अच्छा ऑक्सीजनेशन दें। एंड यदि सारी की सारी टिप्स टू कीप योर कोई फिशेस हैप्पी एंड हेल्दी इन योर पॉन्ड्स एंड योर बिग एक्वेरियम, सो ये टिप्स आपको याद रखनी है। इसमें कोई ऐसी टिप नहीं है कि मैंने कुछ बाहर से जोड़ा है, कि वो सारी टिप्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी कोई फिशेस की जर्नी में या फिर मेरी हॉबी में। आपकी जो टिप्स हैं वो कुछ अलग हो सकती हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके पास कुछ टिप्स हैं कोई फिशेस के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं भी वो यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।